हेलो दोस्तों, आई एम परमान राजवाड़े। आज जो कि सरगुजा ज़िले के रामगढ़ पर्वत के बारे में शेयर कराऊंगा, पूरा जानकारी एक एक कड़ी पूरा बताऊंगा। तो मेरे चैनल परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का रोचक वीडियो और जानने के लिए लाइक कर लीजिए जिसे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसे इसी तरीके का आपके गैजेट में, मोबाइल में आता रहे और देखते रहें, अच्छा अच्छा ज्ञान पाते रहें। तो चलते हैं, पूरा जानकारी बताता हूँ रामगढ़ के बारे में। वैसे तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातत्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थल हैं। सृष्टि निर्माता ने छत्तीसगढ़ को अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। दक्षिण कौशल का यह क्षेत्र रामायणकालीन संस्कृति का परिचायक रहा है। ऐतिहासिक, पुरातत्विक एवं सांस्कृतिक महत्व की ऐसे ही एक स्थली रामगढ़ सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर विकासखंड मुख्यालय के समीप रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। दूर से इस पहाड़ी का दृश्य बैठे हुए हाथी के अदृश्य प्रतीत होता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3202 फीट है। महाकवि कालिदास की अनुपम रचना मेघदूत की रचना स्थलीय विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम शैल नाट्यशाला के रूप में विख्यात रामगढ़ पर्वत के साय में इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने और इसके संवर्धन के लिए हर साल आषाढ़ के पहले दिन यहां रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। प्राकृतिक सुषमा से संपन्न रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर अव्यवस्थित सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफाएं प्राचीनतम शैल नाट्यशाला के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं 3री शताब्दी में ईसा पूर्व मौर्य काल के समय की मानी जाती है। जोगी मारा गुफा में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख तथा सीता बेंगरा गुफा में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है। जोगी मारा गुफा में भारतीय भित्ति चित्रों के सबसे प्राचीन नमूने अंकित हैं। पुरातत्विक दस्तावेजों के रूप में मूर्तियों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों का बड़ा महत्व है। रामगढ़ में ऐसे महत्व की वस्तुएं उपलब्ध है। जोगीमारा गुफा में लगभग 8 मूर्तियां संग्रहित हैं। इन मूर्तियों के आकार, प्रकार, ऊंचाई तथा आकृतियों के उत्कीर्ण करने का शैली से स्पष्ट होता है कि ये मूर्तियाँ राजपूत शैली में निर्मित की गई है। राजपूत शैली में चेहरे का उभार, ऊंचाई, लंबी नाक, क्षीण कटी नितंबों का उभार, जांघों एवं पिंडलियों का उन्नतोदर क्षेत्र, ऊर्ध्व कोणाकार पंजे आदि परिलक्षित होते हैं। मूर्तियों के मुख मंडल पर चिंतन की मुद्रा राजपूत शैली से अलग भाव भंगिमा लगती है। इन तथ्यों से ये मूर्तियां लगभग 2000 वर्ष पूर्व की लगती है। रामगढ़ पहाड़ी के ऊर्ध्व भाग में 2 शिलालेख मौजूद हैं। पस्तर पर नुकीले छेनी से काट कर लिखे गए इस लेख की लिपि पाली और कुछ कुछ खरोष्टी से मिलती जुलती है। लिपि विशेषज्ञों ने इसे एक मत से पाली लिपि माना है। इस पर निर्मित कमलाकृति रहस्यमय प्रतीत होती है। यह आकृति कम बीजक ज़्यादा महसूस होती है। रामायणकालीन संस्कृति भगवान राम के रामगढ़ आने का प्रमाण अध्यात्म रामायण के अनुसार यह कि महर्षि जगमग्नि ने राम को भगवान शंकर द्वारा दिया गया वाण प्रास्थलिक दिया था, जिसका उपयोग उन्होंने रावण के विनाश के लिए किया था। रामगढ़ के निकट स्थित महेशपुर वनस्थली महर्षि के तपोभूमि थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वनवास के दौरान भगवान राम महर्षि जगमग्नि के आश्रम आए थे तथा ऋषि की आज्ञा से कुछ दिनों तक रामगढ़ में वास किया। रामगढ़ का महाकवि कालिदास से संबंध है। रामगढ़ को महाकवि कालिदास की अमर कीर्ति मेघदूत की रचना स्थली मानी जाती है। संस्कृति अकादमी भोपाल द्वारा इस ओर विशेष ध्यान देने पर रामगढ़ पुरातत्विक दृष्टि से विशेष अध्ययन का केंद्र बन गया है। लगभग 10 फीट ऊपर कालिदास खुदा हुआ मिला तीनों शब्दों का एक ही कड़ी में पिरोने पर उन्हें आशय लगाया कि कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना यहीं पर की थी। सीता बेंगरा के ही पासरवा एक सुगम सुरंग मार्ग है जिसे हाथी पोल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 180 फीट है। इसका प्रवेश द्वार लगभग 55 फीट ऊंचा है। इसके अंदर से ही इस पास से उस पार तक एक नाला बहता है। इस सुरंग में हाथी आसानी से आ जा सकता है, इसलिए इसे हाथी पोल कहा जाता है। सुरंग के भीतर ही पहाड़ से रिसकर एवं अन्य भौगोलिक प्रभाव के कारण एक शीतल जल का कुंड बना हुआ है। कवि कालिदास ने मेघदूत के प्रथम श्लोक में जिस एक्षेस्क्रे जनकत्न्या स्नान पुण्योदय केसुहु का वर्णन किया है,
वह सीता कुंड यही है। इस कुंड का जल अत्यंत निर्मल एवं शीतल है। कालिदास योगिन नाट्यशाला और शिलालेख मेघदूतम के प्राकृतिक चित्र वाल्मीकि रामायण के संकेत तथा मेघदूत की आधार कथा के रूप में वर्णित तम्मुरु वृत्तांत और श्री राम की वनपथ रेखा रामगढ़ को माना जा रहा है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय रामगढ़ में व्यतीत किया था। रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर सीता बेंगरा और जोगीमारा की अद्वितीय कलात्मक गुफाएं हैं। भगवान राम के वनवास के दौरान सीता जी ने जिस गुफा में आश्रय लिया था वह सीता बेंगरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही गुफाएं रंगशाला कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला रंगमंच है के रूप में कला प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल है। यह गुफा 44.5 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी है। 1960 ईसा पूर्व में पूना से प्रकाशित ए फ्रेश लाइट ऑन मेघदूत द्वारा सिद्ध किया गया कि रामगढ़ सरगुजा के श्री राम की उन्वास स्थली एवं मेघदूत की प्रेरणा स्थली है। जोगीमारा गुफा सीता बेंगरा के बगल में एक दूसरी गुफा है जिसे जोगीमारा गुफा कहते हैं। इस गुफा की लंबाई 15 फीट चौड़ाई 12 फीट एवं ऊंचाई 9 फीट है। इसकी तीसरी दीवारें बहुत चिकनी वज्रलेप से प्लास्टर की हुई है। गुफा की छत पर आकर्षक रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में तोरण पत्र पुष्प पशु पक्षी नरदेव दानों योद्धा तथा हाथी आदि के चित्र हैं। इस गुफा में चारों ओर चित्रकारी के मध्य में 5 युवतियों के चित्र है जो बैठी हुई है। इस गुफा में ब्रह्मी लिपि में कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। सरगुजा अपने अतीत के गौरव और पुरातात्विक अवशेषों के कारण भारत में ही नहीं अपितु एशिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरगुजा चारों ओर अपने गर्भ में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को संजोए हुए हैं। इन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों में से जो कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं उन्हें देख सुनकर समझा एवं विश्वास किया जा सकता है। आपको अगर लेख पसंद आई तो इस पे अपने को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और इसी तरीके का और वीडियो जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वेलकम गाइस, हम रामगढ़ जो कि रामगढ़ पहुँचे हुए हैं, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में। यहाँ महाराज जी हैं और ये पूरा जानकारी बताएंगे। ये सर प्रथम ये बताइए सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं जो है जय सेवा जय जोहार, मैं जो है अमृत सिंह वरकेरा जो है डुमरडी भूम का परिवार से हूँ जी। और मैं जो है यहाँ 2-3 साल से मैं यहाँ। ये बताइए सर, ये रामगढ़ जैसे पहुँचना चाहते हैं तीर्थ या देखना चाहते हैं जो नहीं पहुँचे हैं कभी हमारे वीडियो के माध्यम से, जैसे परमान रजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर मेरा यूट्यूब है चैनल, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर देखते हैं बहुत लोग, तो रामगढ़ पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे बताइए थोड़ा रास्ता। ये जो है पहले सरगुजा में माने छत्तीसगढ़ माना है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला अंबिकापुर जी, अंबिकापुर से विकासखंड उदयपुर 40 किलोमीटर में उदयपुर पड़ेगा जी। ये विकासखंड है, उदयपुर से जो है 5 किलोमीटर पड़ेगा जी। यहाँ से पहाड़ जो है 4 किलोमीटर पड़ जाता है। तो यहाँ मेला लगता है सर, कौन समय लगता है सर मेला? तो नवरात्र समय लगता है। अच्छा, बहुत भीड़ रहता है। अब अभी तो रोड भी बन रहा है सर, पहले से अब व्यवस्था हो जाएगा। रोड तो अब इंसान मने चालू हुए हैं जी जी। यहाँ सभी लोग आ सकते हैं अपने मन्नत, तो यहाँ जो है मंगत मांगते हैं जो इच्छा करते हैं। ये गढ़ है, गढ़ माने बनाना होता है जी। ये सरगुजा का गढ़ है जी। ये पहले जो है ये टूरगढ़ था जी, इसी के नाम से सरगुजा था जी। तो यहाँ से उसके बाद जो है शंभु शेख ने 88 को भी राज चलाया जी। उसके बाद जो है यहाँ फिर मैंने रावण को किए जी, उसके बाद जो है राम का हुआ जी। तो ये गढ़ व्यवस्था का राज चलता था जी। अभी जो है इसका जो है सब टीवी के माध्यम से जो है पूरा सरगुजा का संचालन होता था। तो ये जो है सरगुजा कोर्ट जी, यहाँ का जो है राजपाट गढ़ खाना बाना शर्मा पाइट डंडा सुगर सब जो है यूज है जी। जो रामगढ़ में कौन कौन सा तीर्थ स्थल है सर बताइए? सीता बेंगरा है, यहाँ जो है ऊपर में जो है इधर चंदन माटी दुर्गा गुफा सिद्ध गुफा जी, और तालाब है जी, और नीचे में इधर जो है पार्वती गुफा कहते हैं जी, बड़ा टुकड़ा है जी, और देवी गुरु का मन इधर गोरिया उरिया है जी। तिलक भी मिलता है अंदर में, मतलब दूर जाने हैं वहाँ बहुत घुसते हैं सर अंदर तरफ, बहुत खतरा है करके डरावना है। घुसते हैं, घुसने के बाद जो है अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद जो है उसको रिक्सी है, लेकिन रिक्सी लेकर के डर भी लगता है। डर लगता है ना अंदर जाने के बाद, जो है पेट में जो है घुसे लगते हैं, कोई दब गए चाहे कुछ भी हो जाए इस टाइप का। मैं गया था एक दफा सर, तो खुद डर से मैं तो डर से मैं नहीं गया अंदर।
तो और यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुमूल्य समय जानकारी दिए उसके लिए। अब यहाँ का ये बंदर लोग बहुत लूटते हैं सर, हम लोग बहुत बचते हुए लाए हैं खाने पीने जो है, माने अब यहाँ का सेना है जी जी, हनुमान जी हैं सर जी। ओके ओके। We'll be right back.